दीर्घायिकमलम् परमामि वड्मालम् तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी नाम सैद्धांतिक ग्रंथ, यह ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो जिनागम का एक विशिष्ट ग्रंथ है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, यह ग्रंथ विश्व की कई यूनिवर्सिटीयों में पढ़ाया जाता है। जर्मनी, फ्रांस, रशियन, उन भाषाओं में पढ़ाया जाता है। कौन सा ग्रंथ है? प्रवचन सार जी। हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटियों में ये ग्रंथ पढ़ाया जाता है और सैकड़ों विदेशी इस ग्रंथ के मास्टर हैं। इस विषय वस्तु को जानने वाले हैं। समय सार जी को ये श्रेय प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आत्मा का जो द्रवगुण पर्याय का जो स्वरूप है, अपनी भाषा में अपन कहें तो जैसे एक व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लिटा देते हैं और डॉक्टर उसकी पूरी चीर फाड़ करता है और एक एक चीज देखता है, ऐसे इस प्रवचन सार जी ग्रंथ में वस्तु के स्वरूप को बिल्कुल एकदम पूरी तरह से बताया है। यदि ऐसा कहें अपन कि जो प्रमाण ज्ञान का विषयभूत आत्मा है, उस आत्मा को मुख्यतः इस ग्रंथ में बताया है। और समय सार जी में क्या बताया है? उस प्रमाण ज्ञान के विषयभूत जो आत्मा है, मतलब द्रवगुण पर्याय वाली आत्मा, उसमें से पर्याय और गुणों को गौण करके जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है उसे बताया गया है। अंतर समझ आ रहा है दोनों का? वो बताया गया है। विशेष चर्चाएं और बीच में आती रहेंगी। देखिए आप, बहुत ही मार्मिक गाथा और टीका है। ये तत्प्रज्ञापन अधिकार है, 94 नंबर की गाथा है। ये गाथा बहुत ही बढ़िया गाथा है और कल आपके हाथों में एक चार्ट भी होगा और उसके आधार से अपन पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए गाथा पेज नंबर 174 है। जो पजय सुमेरदा जीवा पर समगतिने बिठा आद सहा वन मिठिदा ते सग समया मुने दब्बा। इसका नीचे हरि गीत है। पर आए मा वत जीवे ते पर समय मेरे दिस्ते छे आत्मा स्वभावे स्थित जेते स्व समय ज्ञातव्य छे। गाथा के ऊपर उत्थानिका लिखी है। अब आनुसंगिक ऐसी यही स्व समय पर समय की व्यवस्था निश्चित करके उसका उपसंहार करते हैं। किसकी व्यवस्था? स्व समय और पर समय। समय सार जी में भी दूसरी गाथा में ये विषय लिया है, आपको यदि याद हो तो। स्व समय और पर समय। स्व समय क्या है और पर समय क्या है? बोलो अच्छे से।
नवीन भाई बोलो, स्व समय मतलब क्या और पर समय मतलब क्या? बहुत सरल है, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चातुरूप परिणमन है वो पर समय है, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चातुरूप परिणमन है वो स्व समय है। जो सुख की अवस्था है वो स्व समय है, और जो दुख की अवस्था है वो पर समय। इतना सरल है, समझ आ रहा है? स्व समय मतलब सुखरूप परिणमन, पर समय मतलब दुखरूप परिणमन। बराबर, एकदम सरल हो गया। चार शब्द आपको बता रहे हैं, इसकी चर्चा सुबह की प्रवचनों में भी चलेगी और रात में भी। चार शब्द हैं, एक समय, एक समय सार, एक पर समय, एक स्वय समय। कितने शब्द बोले? कौन कौन से? समय किसे कहते हैं? एक साथ बोलिए, समय किसे कहते हैं? हाँ बोलो, समय किसे कहते हैं? ये समझो, बिल्कुल पहली पढ़ाई है ये, ज्ञान में निर्णित होना चाहिए। समय किसे कहते हैं? समय सार जी ग्रंथ की ही दूसरी गाथा की टीका में समय की परिभाषा लिखी है। विदिशा से कुछ लेके नहीं आए हम, सब आपके ही ग्रंथों में जो लिखा यहीं के वहीं से बोल रहे हैं। समय की परिभाषा, बढ़िया परिभाषा बताइए, सरल सरल शब्दों में। अच्छा बताया है पूरा परिभाषा। अब हम बुलवा रहे हैं सब लोग भूलना, ठीक है भैया ने तो बताई है, वहां जो व्याख्या लिखी है उसका सरल भी लिखा है, हम और सरल करके आपको बता रहे हैं, जीवन भर के लिए आपको पक्का हो जाए। समय किसे कहते हैं? आप एक साथ बोलना, ठीक है, जो एक रूप रहता हुआ, बोलिए, जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है, ऐसे पदार्थ को समय कहते हैं। वो कौन है? मैं हूं। मैं क्या करता हूं? पहला पार्ट, मैं एक रूप रहता हुआ और जानता हुआ परिणमता हूं। क्या बोला? इसलिए मैं कौन हूं? मैं समय हूं। पक्का? प्रश्न, मैं शरीर हूं, मैं समय हूं, या मैं समय सार हूं? दूसरा प्रश्न, कम से कम प्रश्न तो लिख ही लो। दूसरा प्रश्न, मैं पर समय हूं कि स्व समय हूं? कि समय हूं कि समय सार हूं? तो ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अपन अभी पर समय है कि स्व समय? कौन है अपन? समय है कि समय सार है? समझेंगे बराबर। चार शब्द कौन कौन से बोले? एक साथ बोलिए, चारों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। वस्तु तो एक है, ठीक है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। क्या है वो समझना पड़ेगा। बस संक्षेप में चर्चा अभी कर रहे हैं, फिर अपन ये गाथा टीका पढ़ेंगे और इन शब्दों का विस्तार फिर आगे आएगा। समय मतलब
जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य और पर्याय वाली जीव वस्तु, क्या कहा उसको, क्या कहते हैं? समय। लेकिन सुनना, उस समय में क्या लिया है ये जीव और उसके जानने की पर्याय, क्या कहा? वो समय। अपने पास अभी कितने ज्ञान है? दो की तीन बोलो, कितने ज्ञान है? भूलना तो पड़ेगा। अपने पास अभी कितने ज्ञान है? तो अज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? हा? देखो, जो समय की परिभाषा है उसमें अज्ञान सम्यक ज्ञान वो नहीं है। अपना ज्ञान अभी स्वयं को जान रहा है कि पर को जान रहा है? देखो गजब बात है, ये समय में जिस ज्ञान की चर्चा है वो ऐसे भेद वाला नहीं है। पंडित साहब, बहुत मार्मिक बात है, सारा वेद इसमें से निकलेगा। अभी पूरा भेद विज्ञान अपने पास है। अभी 7.5 दिन सुबह एक तो हो ही गया, अभी चल रहा है, फिर 7 दिन बचेंगे कल से, तो ये चर्चा चलेगी लगातार। समय की परिभाषा एक साथ बोलिए, पक्का? तो आप कौन है? समय की समयसार, समय बराबर समय है। तो आप बोलते हैं कि बोलने के भाव करते हैं? जल्दी बोलो। आप आज, आपने अष्टानिका महापर्व की अष्टमी थी तो एक टाइम भोजन किया नितिन नवीन भाई की, 2 बार किया था? 3 बार, गजब हो गया। तो आपने भोजन किया था कि सिर्फ भोजन करने के विकल्प किए थे? मौन है क्या? भोजन किया था और विकल्प नहीं किए? अच्छा, मिलने चाहिए। भोजन करने वाला तो मैं हूं ही नहीं, समय की परिभाषा, भोजन के भाव करने वाला भी मैं नहीं हूं। तीसरी बात, भोजन करने के भाव हो रहे हैं उनको जानने वाला भी मैं नहीं हूं, समय की परिभाषा पढ़ा रहे हैं अभी नास्ती से। कौन हूं मैं? मात्र एक रूप रहता हुआ जानता, सुनना ध्यान से, जानता हुआ, जानता हुआ मतलब अकल मत लगाना ज्यादा, पर को जानता स्वयं को जानता ये नहीं। समय की परिभाषा में नोट कर लेना, अब जो बोल रहे हैं, मात्र उपयोग लक्षण का ग्रहण है। किसका ग्रहण है? उपयोग लक्षण, वस्तु का जो स्वभाव है उसका ग्रहण है। ये जो भोजन को जाना, विकल्प को जाना, घर को जाना, स्वयं को जाना, पर को जाना, ये सारा डिपार्टमेंट विशेष ज्ञान का है, जिसे मति शुद्ध ज्ञान कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? समझने की बात है। किसका डिपार्टमेंट है? वो विशेष ज्ञान का, और विशेष ज्ञान वो मेरा स्वरूप नहीं है, उस समय की परिभाषा में शामिल नहीं है। चिंता नहीं करना, बिल्कुल सरल होगा विषय। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना समय की परिभाषा अभी बराबर। तो मैं शरीर वाला हूं, बोलो, कर्म वाला हूं, कसाय वाला हूं, इंद्रूप परिणमता हूं नहीं? क्यों? क्योंकि आपने बोला मैं समय हूं। क्या हो गया बेटा? बैठ जाओ। अरे हाथ तो ही फंस गया उसका कहीं उसमें। कोई बात नहीं,
अपना ज्ञान भी ऐसे ही रो रहा है निर्णय के बिना, पता नहीं है। कितने शब्द बोले थे, कौन कौन से? चार। समय किसे कहते हैं? जो एक रूप रहता हुआ, जानता हुआ, सिर्फ जानता हुआ, मात्र जानता हुआ परिणमता है, उसे क्या कहते हैं? समय। मतलब जीव वस्तु और उसका उपयोग लक्षण, ये समय में गर्भित है। पक्का? समय सार किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अपने तो ग्रंथ ही मूल समय सार है। समय सार किसे कहते हैं? सुनील जी बताइए। उसका नाम तो समय है। समय सार किसे कहते हैं? लिखिए, पहले नास्ती से ही बता रहे हैं। समय सार किसे कहते हैं? सुनो, जो जानता नहीं है और जिसमें गुणों के भेद भी नहीं है, उसे समय सार कहते हैं। क्या कहा? क्या कहा? जानता नहीं है, जिसमें जानने का काम नहीं होता, जिसमें जानन क्रिया नहीं होती। पंडित साहब, गजब बात है। ये लक्ष्य है, यहां तक ज्ञान पहुंचेगा तो सम्यक दर्शन होगा, और यहां तक ज्ञान नहीं पहुंचेगा तो एक विकल्प नहीं मिटेगा, दुख का अंश भी नहीं टूटेगा। पहली पढ़ाई है जैन धर्म की। समयसार किसे कहते हैं? नास्ती से बोलिए। और जिसमें हम किससे जीते हैं? किसी के आशीर्वाद से कि आयु कर्म से, ऑक्सीजन से कि भोजन से? जल्दी बोलो, किससे जीते हैं? हाँ, अब बोले प्रमोद जी साहब, बहुत दिनों बाद। किससे जीते हैं? किससे जीते हैं? समय सार की चर्चा चल रही है। मैं कौन हूं? समय सार। अब समय को भूल जाओ, अब समय सार। तो समय सार कैसा है? मैं क्या करता हूं? मैं समय सार हूं, मैं क्या करता हूं? बोलो, क्या करता हूं? लिखो, जानता भी नहीं हूं। क्या कहा? राहुल, डायरी कहाँ है? कल हम लेके आएंगे, ठीक है? अच्छी वाली ये चर्चाएं थोड़ी ऐसी है, बेस है। और जब तक हम इन चर्चाओं को, इन शब्दों को क्लियर नहीं करेंगे, आप किसी भी बड़े विद्वान के प्रवचन सुनो, आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे ज्ञान में क्लियर नहीं है। समझ में कुछ नहीं आता। अच्छे लगते हैं पंडित जी, अच्छे लगते हैं प्रवचन, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन हुए। और पूछो तो पांच पांडव के नाम बताओ, तो एक अर्जुन, एक भीम, एक वे एक आपको पता ही है, हो गए पांच। नहीं आया समझ में? फिर भैया आप क्या बता रहे हो आप? नहीं, वो भावासन तो पूरा है लेकिन बोल नहीं सकते। अधिकांश का उत्तर यही आता। कितने शब्दों की चर्चा चल रही है? चार। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये खड़ा है ज्ञान या निर्णय करने वाला। अब इस ज्ञान को निर्णय कराना है, तुम चार में कौन हो? पर समय हो? बोलो, स्व समय हो कि समय हो कि समय सार हो? चार में कौन हो? अभी ज्ञान निर्णय करे, ज्ञान चुनाव करे।
तो काम चले। बराबर। तो अपन ने भी समय की चर्चा की थी, समय की परिभाषा क्या बताई थी, ये परिभाषा सबको पक्की चाहिए। अभी इसमें अपन ने अति बताई है, अब नास्ती बताएंगे। भी जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है उसे क्या कहते हैं, समय कहते हैं। बराबर। अब देखना, एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है, इसका मतलब शरीर कर्म कसाय रूप नहीं परिणमता है। ये लिख लेना नास्ती, ये क्या हो गई नास्ती। मैं एक रूप रहता हुआ जानता तो परिणमता हूं, लेकिन कभी भी शरीर कर्म और कसाय, शास्त्रीय भाषा बोल रहे नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप परिणमता नहीं हूं। समय शब्द ने ही पूरी दुनिया की नास्ती कर दी। बहुत बड़ा काम है। अपन अभी सिर्फ शब्द और वो परिभाषा पढ़ रहे हैं, अभी भेद विज्ञान नहीं पढ़ रहे, वो बाद में देखेंगे। बात समझ आ रही है सबको? अरे हाना तो करो, आ रही है? देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तीसरी गाथा में छह द्रव्यों को समय कहा, पता है आपको? अरे हाना तो करो, छह द्रव्यों को समय कहा। तो शक्कर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, शक्कर भी समय है। कौन बोलो, शक्कर कौन है? कैसे समय है? शक्कर एक रूप रहती है और मिठास रूप परिणमती है। कैसी परिणमती है? मिठास रूप परिणमती है। तो शक्कर भी समय है। इधर देखो सब, इधर देखो, हमने एक कांच के गिलास में पानी लिया, क्या लिया? देखो आप लोग थके हो, ऑफिस के, घर के, दुकान के, मकान, मतलब जो भी, तो बोलते जाओ तो नींद नहीं आएगी। बराबर, ठीक है। क्या लिया हमने? क्या लिया? एक कांच का गिलास, और उस कांच के गिलास में पानी डाल दिया, क्या डाल दिया बोले तो? पानी डाल दिया, और उसमें एक चम्मच शक्कर डाल के ऐसे घोल दिया, तो पानी कैसा हो गया? पानी कैसा हो गया? जल्दी बोलो, पक्का? हम क्या जाने, आप जानो। नवीन सेकंड जी पिए नींबू पानी? पिया कि नहीं पिया? पिया है। तो उसमें एक नींबू डाल दिया, क्या डाल दिया? तो जो पानी था और वहां पे वो शक्कर थी और वहां मिठास थी, तो जब नींबू डाला तो वो शक्कर और मिठास कैसी हो गई? बोलो, दोनों मिले कि नहीं मिले? एक हुए कि नहीं हुए? एक दूसरे के काम कर रहे कि नहीं कर रहे? देखो वो जड़ मिठास, मिठास का काम कर रही है, और नींबू की खटास है। द्रव द्रव तो छोड़ो, पर्याय पर्याय भी नहीं मिलती, एक दूसरे का काम नहीं करती। और उसमें फिर हमने नमक डाल दिया और वो भी घोल दिया, तो चारों मिले कि नहीं मिले? जल्दी बोलो, चारों एक दूसरे के काम कर रहे कि नहीं कर रहे? कब नहीं कर रहे? इधर देखो, इधर देखो सब, यहां पर भी चार चीज है, एक ज्ञान बराबर जीव ज्ञान, ठीक है, एक फिर नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, चार हो गए कि नहीं हो गए? तो इन चार में अपन कौन है? बोलो, ज्ञान है। अपन क्या कर रहे हैं? अभी समय की परिभाषा चल रही है ना, जान रहे हैं। तो ये जो काला गोरा है वो कौन है? नवीन, दर्पण में घर जाकर चेहरा देखोगे तो आपको आपका चेहरा देखेगा कि आपके फ्रेंड का चेहरा देखेगा? जल्दी बोलो, किसका देखेगा? और जोर से बोलो, जय माता दी मत बोल देना, नगर जोर से बोलो तो। कौन का चेहरा देखेगा? कौन का? कौन का देखेगा बोलो आप? ये जो काला गोरा है वो किसका चेहरा है? पुद्गल का। नो कर्म है, शास्त्रीय भाषा हो गई है,
किसका चेहरा है ये? पुद्गल का, नौकर्म। आज ऐसा लग रहा है आवाज सही नहीं आ रही, कल सही आ रही थी, गूंज रही आवाज, थोड़ा सा इसको मजा नहीं आ रहा। मास्टर वगैरह कम करके आवाज। हेलो हेलो, अब ठीक आ रही है? मास्टर फेस दोनों कम करो। हेलो हेलो हेलो, अब कैसी आ रही है? समझ आ रही है? नहीं आ रही? चलो ठीक है। समय की चर्चा चल रही है, हम कौन है? समय। बराबर, जैसे सिकंजी में चार चीज मिली है, ऐसे यहाँ पर भी अभी चार चीज मिली है। कौन कौन सी चार? एक ज्ञान वाला आत्मा और शरीर नोकरम, ज्ञानावरणादि द्रव्यकरम और मोहराग दोषादि भावकरम, यहाँ भी चार की सिकंजी है। अब प्रश्न ये है, इन चार में मैं कौन हूँ? बोलो। शरीर हूँ, आठ कर्म हूँ, मोहराग देश हूँ, इनका कर्ता हूँ कि मात्र जानने वाला हूँ? पक्का हुआ? पक्का हुआ? तो ये चेहरा किसका है? ये 50 किलो का, 60 किलो का, काला गोरा स्त्री पुरुष, ये कौन है? ये नो कर्म है, ये मैं नहीं हूँ। ये जो बोलना, ये खाना पीना, चलना, दर्शन पूजन पाठ, ये कौन करता है? कौन करता है? देखो, नो कर्म का परिणाम है, मैं नहीं करता। पक्का? ये आठ कर्म बांधना, छोड़ना, ये कौन करता है? बोलो, कौन करता है? मैं नहीं करता, क्योंकि मैं तो मात्र जानता हूं और परिणमता हूं। और अभी अपन पाप कर रहे हैं स्वाध्याय मंदिर में कि पुण्य कर रहे हैं? बोलो अविनाश भाई, बोलो। अभी पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? गजब बात है, मात्र जानना। ये पुण्य पाप कौन कर रहा है? ये किसका परिणमन है? ये भाव कर्म। बराबर, समय की परिभाषा ने नोकरम, द्रवकरम, भाव कर्म की छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी। अपन अभी शरीर वाले हैं कि नहीं? कर्म वाले हैं कि नहीं? कसाय वाले हैं कि नहीं? इनके करने वाले हैं कि नहीं? और भोगने वाले हैं कि नहीं? देखो, दुनिया कुछ अजब गजब है। और ज्ञान क्या समझ रहा है? एक व्यक्ति था, आज मजा नहीं आ रहा, आवाज में मजा नहीं आ रहा, नहीं माइक नहीं, थोड़ा सा हेलो, आवाज आवाज खोलिए, ये वेस और हेलो 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 हेलो, ठीक आ रही है? ठीक है। एक व्यक्ति था, शराब पीता था, और रात में 12 बजे शराब पीकर आया बहुत। पत्नी ने दरवाजा खोला और अंदर लेकर उसको सुला दिया। सुबह वो व्यक्ति उठा तो पत्नी ने उससे पूछा, तुम कितनी शराब पीकर आए थे? बहुत शराब तुमने रात में पी थी। तो बोला कि सब बुरी संगत का असर है। क्या बोला? कौन बोला? उस शराब पी के आया था व्यक्ति। बोले सब बुरी संगत का असर है। बोला कैसे? पत्नी ने पूछा कैसे? बोला बोतल थी एक। अमित कहाँ देख रहे हैं? बोतल कितनी थी? एक। और हम दोस्त थे चार, और बोतल कितनी थी? एक। बोले सब बुरी संगत का असर है। बोले क्या हुआ?
बोले बोतल थी एक और वो तीन पीते नहीं थे। क्या कहा? बोतल थी एक और तीन पीते नहीं थे, तो सारी किसको पीना पड़ी? मुझे पीना पड़ी। इधर देखो, सब मार्मिक बात है। पाप कितने हैं? पाप कितने हैं? एक। क्या पाप है? कि जो ज्ञान था ना, ये ज्ञान बढ़ता हुआ, ये ज्ञान शराबी है। ये ज्ञान क्या कर रहा है? मैं आत्मा भी हूं और मैं शरीर वाला भी हूं, मैं कर्म वाला भी हूं और मैं कसाय वाला भी हूं। क्या कर रहा है ज्ञान? बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ राम राम जपना और सारा माल अपना। और मैं ज्ञायक भी हूं और मैं चलता बोलता भी हूं, खाता पीता भी हूं, कर्मों को भी बहुत बांध रहा हूं और मिटाना है, और मोह राग द्वेष भी कर रहा हूं और उनको भी नष्ट करना है। तो वो ज्ञान क्या कर रहा है? बात समझ में आ रही है? सबको मिक्स कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्ञान में आज तक समय की परिभाषा या मैं समय हूं, ये व्यवहार में से भी आत्मा का स्वरूप नहीं पता। नोट कर लेना, समय मतलब व्यवहार न का आत्मा। क्या कहा? जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, ये निश्चय न का आत्मा नहीं है। किसका आत्मा है? क्यों क्यों है? क्यों है? क्योंकि व्यवहार न की परिभाषा है भेद से व्यवहार, और जहां आत्मा और जानने वाला ये दो हुए तो निश्चय की व्यवहार व्यवहार। समझ में नहीं आ रहा प्रवचन? आ रहे कि नहीं आ रहे? जहां द्रव और पर्याय, द्रव और पर्याय ये तीन भेद हुए तो निश्चय ने कि व्यवहार ने का विषय व्यवहार ने। तो जानने वाला ये भी कौन सा नय है? व्यवहार। बात समझ आ रही है? समय की परिभाषा एक साथ बोलिए। उसे क्या कहते हैं? समय। शक्कर, शिकंजी बनाई थी अपन ने भी, तो शिकंजी में शक्कर क्या करती है? नोट कर लो, शक्कर शक्कर बनी रहती है और सदाकाल मिठास 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 रूप परिणमती है। बोलो एक गिलास शिकंजी में 10 नींबू डाल दो तो मिठास क्या करेगी? खटास को करेगी? खटास मिठास करेगी? कोई 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 संबंध बनेगा? कोई संबंध नहीं। ऐसे ही मैं यहाँ शरीर कर्म कसाई की भीड़ में, इनके बीच में क्या करता हूँ? मात्र मात्र जानता। आज तक लेकिन मैंने ऐसा नहीं जाना, इसका नाम अज्ञान। क्या जाना? मैं ही शरीर वाला, मैं ही कर्म वाला, मैं ही कसाई वाला, मैं ही जानने वाला, सबको मिलाकर जाना। गड़बड़ है कि नहीं? इस विषय को भी बाद में खोलेंगे। समय की परिभाषा बताई थी, थोड़ा अस्ति नास्ति से स्वरूप बताया। दूसरी बात, हम समय है कि समय सार है? कौन है हम? अब देखो, समय को जानने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। नोट कर लेना। क्या कहा? जब तक शरीर वाला जानेंगे तो होगा ही नहीं, कर्म वाला जानेंगे तो भी नहीं होगा, और कसाय वाला जाने तो भी नहीं होगा। लेकिन मैं जीव हूं, मैं जानने वाला हूं, जानना मेरा काम है सुरेन जी, ऐसा जानेंगे तो भी समय दर्शन नहीं होगा। फिर कैसे होगा? तो इस समय सार की ग्रंथ कहता है समय सार को जानना पड़ेगा। बराबर? तो अपन शरीर है कि समय है या समय सार है? बोलो, अपन समय सार है। तो अपन क्या करते हैं? शरीर कर्म कसाय को करते हैं कि मात्र जानते हैं? लिखो, समय सार जानता भी नहीं है। क्या कहा? जानता भी नहीं है, उसमें परिणमन नहीं होता, उसमें जानन क्रिया नहीं होती। ऐसी वस्तु का नाम है समय सार।
ऐसा ज्ञान में मिलना चाहिए। कल रात में कहा था, आज सुबह भी कहा था, तत्व निर्णय से मोक्ष मार्ग होता है, किसी क्रिया परिणाम चिंतन से नहीं होता। चिंतन कम हो चाहे ज्यादा उससे संबंध नहीं है। किससे मोक्ष मार्ग होता है? तत्व निर्णय से। बराबर। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सब अभी जिंदा हैं तो ऑक्सीजन से जिंदा है कि आयु कर्म से? किससे जी रहे हैं? बोलो, लिखो। तो फिर कौन से जी रहे हैं? सुनील जी थोड़े तेज बोलो, किससे जी रहे हैं? लिखो। मैं समयसार हूं, मैं जीवत्व शक्ति से नहीं जीता। क्या कहा? अब समयसार की चर्चा चल रही है, चिंता नहीं करना, जो बोलेंगे वो पूरा खोलेंगे, उसका पूरा भाववासन कराएंगे। देखो, जब तक जीवत्व शक्ति दिखती रहेगी और मैं उससे जी रहा हूं ऐसा दिखता रहेगा, तब तक भेद का लक्ष्य बना रहेगा। क्या कहा? क्या कहा? जो नियमित स्वाध्यायी है, गहन स्वाध्यायी, उनको थोड़ा जैसे पकड़ में आ रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं करना, जितने यहां बैठे हैं सबको इसका निर्णय भाव वासन कराएंगे। कौन हूं मैं? समयसार। तो समयसार भेद रूप वस्तु है कि अभेद वस्तु है? तो मैं किससे जीता हूं? नोट कर लो, नोट करो। मैं जीवत शक्ति से नहीं जीता, जीवत शक्ति मेरे से जीती है। बात पलटी कुछ? अरे पलटी कि नहीं पलटी? जो माता पिता है वो बच्चों से जीते हैं कि बच्चे माता पिता से जीते हैं? बोलो। अब पंचम काल है, मकरोनिया में कुछ उल्टा होता हो तो क्या नहीं सकते? कौन किससे जीता है? बोलो। देखो तत्वार सूत्र जी में सूत्र है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव के आश्रय से गुण रहते हैं कि गुणों के आश्रय से द्रव्य रहता है? बोलो। तो मैं जीवत शक्ति से जीता हूं कि जीवत शक्ति मेरे से जीती है? इसमें कहना क्या है वो पकड़ने की बात है। ये कहना है कि जीवत शक्ति की महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? भेद को वहां गौण करना है और अभेद को मुख्य करना है। और अभिज्ञान में कौन मुख्य चल रहा है? जीवत शक्ति, जीवत शक्ति। तो ज्ञान में महिमा किसकी बसी है? जीवत शक्ति की, उसको गौण करना है। तो जब ज्ञान ऐसा जानेगा, जीवत शक्ति से मैं नहीं जीता, मेरे से जीवत शक्ति जीती है, तो वो जीवत शक्ति गौण हो गई और अभेद ज्ञायक मुक्त हो गया। ये ट्रिक है, ट्रिक है। समयसार की परिभाषा लिखिए नास्ती से, जो जानता भी नहीं है और जिसमें गुण भेद भी नहीं है। क्या कहा? परिभाषा है नास्ती से, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न। पढ़ते हैं तो अपना गीत है, अपना गीत है कि नहीं? फेडरेशन गीत, मैं ज्ञानानंद, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, मैं हूं अखंड। लिखा कि नहीं लिखा? तो खंड खंड देखना कि अखंड देखना? जिस विषय की आज स्थापना हो रही है, दोनों समय वो विषय चलेगा, पानी डाल डाल के, मतलब उसको डाइल्यूट करेंगे। दूध वाला दूध लेके आता है डिब्बे में, अरे आता कि नहीं आता? तो आप लेते कि नहीं लेते? अरे लेते कि नहीं लेते? अरे हाना तो करो। तो एक दिन दूध वाला दूध लेके आया और पूरे घर ने दूध पिया, और दूध पीते से ही पेट गड़बड़ हो गया। तो फौरन दूध वाले को फोन लगाया कि आज तू कितना खराब दूध लेके आया था, कैसा दूध लेके आया था, सबके पेट गड़बड़ हो गए।
आज तू दूध में कुछ गड़बड़ करके लाया था। बोले माता जी मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, वो तो आज सरकारी में लाए नहीं थे। क्या कहा? वो जो नल थे वो आज रास्ते में कुछ व्यवस्था नहीं बनी तो दूध आज प्योर पिया गया। क्या हुआ? अरे कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दूध गड़बड़ था कि नहीं था? गड़बड़ तो रोज पी रहे थे। आज तो जो चर्चा आज स्थापना में चल रही है ये प्योर चर्चा है, लेकिन पानी डाल डाल कर थोड़ा उसको डाइल्यूट करेंगे जिससे कि वो पाचक हो जाए। चिंता नहीं करना, सब अपने पास है विषय। ठीक है, तो अपन कौन है? समय की समय सार, एक साथ बोलो। तो अपन करने वाले कि जानने वाले? बोलो, लिखो। जानने वाले भी नहीं है, जाननहार है। कौन है? अब इसमें भी क्या मर्म है वो बाद में बताएंगे। ठीक है, और किससे जीते हैं? दुआओं से। बोलो, मणि मंत्र तंत्र से कि जीवत शक्ति से? लिख लो, जीवत शक्ति से भी नहीं जीता। तो उसमें क्या हुआ कि जीवत शक्ति को गौण कर दिया? संजय सार जी की सातवीं गाथा का और टीका का विषय है ये। बराबर चर्चा तो है मार्मिक। क्लियर हुआ? तो मैं कौन हूं? समय सार। अस्थी से परिवार से लिखो समय सार की, नास्ती हो गई। जो जो जानता भी नहीं है, मतलब परिणमता नहीं है, और जो गुण भेद रूप भी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? समय सार। ये नास्ती। अस्थी लिख लो, जो जो ज्ञायक भाव है, जो अभेद तत्व है, जो अनादि अनंत है, जो एक रूप रहता है, उसे कहते हैं समय सार। एक साथ बोलो, जो जो ज्ञायक भाव है, जो आगे बोलो, जो अभेद है, जो अखंड है, जो एक रूप रहता है, उसे क्या कहते हैं? समय सारी। अस्थि से जो अनादि अनंत है, अनादि अनंत, उसे क्या कहते हैं? समय सार। ये अस्थि से बताया। पक्का? दो शब्दों की चर्चा हुई। तीसरा शब्द स्वय समय। तीसरा शब्द क्या है? स्वय समय। स्वय समय क्या है लिख लो आप? श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को कहते हैं स्वय समय। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इसको इसको कहते हैं स्वय समय। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी, संसार मार्ग बंद मार्ग, उसको कहते हैं पर समय। कितने शब्दों की चर्चा चली? चार। कौन कौन सी? तो अपन स्वय समय है कि पर समय? अभी बोलो कौन है? लिख लो, न स्वय समय न पर समय। अब दो बचे, समय की समय सार। सुरेन जी कौन है अपन? समय की समय सार, समय सार। तो आप अभी प्रवचन सुन रहे हो कि सुनने का सिर्फ ज्ञान कर रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं? यदि आपने कहा ज्ञान कर रहे हैं, तो आपने अपने को समय जाना, समय सार नहीं जाना। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। और बात सरल है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, बात सरल है। आपको साइंस के, प्रकृति के, आपके घर और दुकान के एग्जाम्पल देके सिद्ध करेंगे। बिल्कुल ऐसा सरल, एकदम सारी चीजें बिल्कुल सरल होंगी। सिर्फ अभी हमें चार शब्द बताना थे, इसलिए इतनी लंबी चर्चा हुई। पहला समय क्या था? पहला शब्द क्या था? समय। दूसरा समय सार। तीसरा स्वय समय। चौथा पर समय। ये चार शब्द क्या है, इनके भाव क्या है, उनको थोड़ा सा संक्षेप में खोलने की कोशिश की है। इनका बराबर हमें ज्ञान चाहिए। ठीक है, आइए
उत्थान का पढ़ रहे थे हम, स्वयं समय पर समय की व्यवस्था निश्चित करके उसका उपसंहार करते हैं। तो स्वयं समय मतलब रत्नत्रय रूप परिणमन और परिसमय मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत रूप परिणमन। पक्का अज्ञान दशा को कहते हैं परिसमय और सम्यक ज्ञान दशा को कहते हैं स्वयं समय। दुख रूप अवस्था को कहते हैं परिसमय और सुख रूप अवस्था को कहते हैं स्वयं समय। और ये दोनों में हूं कि नहीं? नहीं हूं। मैं कौन हूं? व्यवहार में से कहो तो अभी समय और निश्चय में से कहो तो समय सार। पक्का हुआ? समय किसे कहते हैं? एक साथ बोलो। सुरेन जी बोलो। जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ मात्र जानता हुआ कुछ करता हुआ नहीं, मात्र जानता हुआ मात्र जानता हुआ। पक्का? इतना पक्का रखना। और चौथा शब्द क्या था? समय सार। समय सार किसे कहते हैं? जो जानता भी नहीं है और जिसमें भेद भी नहीं है, ऐसा तत्व वो समय सार कहलाता। पक्का? जो जानन जानन स्वरूप में फिर वो क्या पर्याय पकड़ी जाएगी। और यहाँ तो अपरिणामी वस्तु को समय सार कहते हैं। हाँ, तो उसमें यदि आप पर्याय को गौण कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वो जानन में हाँ नहीं है ना, ये तो बता रहे जो अपरिणामी है, अपरिणामी है जो एक रूप रहता है जिसमें जो निष्क्रिय वस्तु है। आगम में आए ना समय सार जी की 320 गाथा की टीका, पारिणामिक का अर्थ क्या है? निष्क्रिय पारिणामी कहा। परिभाषा लिखी, जो न बंध रूप परिणमता न मोक्ष रूप परिणमता न संसार रूप परिणमता न मोक्ष रूप परिणमता। छठवी गाथा कैसा? जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है अर्थात जो परिणमता ही नहीं है। क्या कहा? आदरणीय पंडित साहब की रचना, मेरा सहज जीवन उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। तो ध्रुव में तो परिणमन है ही नहीं है, ऐसा त्रिकाली रूप। हमने तो आपको भी अभी पांच चीज बता दी, आपको छठवी गाथा बता दी, 320 गाथा बता दी, पंडित साहब का उत्पाद में निरपेक्ष बता दिया। एक बात, दूसरी बात कि आदरणीय छोटे दादा की रचना बता दी, छठवी सातवी गाथा बता दी। हाँ बराबर, हम सिद्ध कर रहे हैं ना, जानन काम, जानन काम पर्याय में होता है कि ब्रह्म में होता है? एक मिनट, एक मिनट। देखो जीव द्रव्य सुबह बात बताई थी, ज्ञान गुण और जानना पर्याय। तो जो जानना धर्म है वो द्रव्य का धर्म है, गुण का धर्म है कि पर्याय का धर्म है? सुबह पूछा था, जीव द्रव्य जानता है कि पुद्गल द्रव्य जानता है? बोलो कौन जानता है? तो जब छह द्रव्यों में देखते हैं तो कहते हैं जीव द्रव्य जानता है। पक्का? अरे पक्का की कच्चा, हाना तो करो कुछ। पक्का? फिर आ गए जीव द्रव्य में, तो जीव द्रव्य उसमें अनंत गुण और पर्याय भी है, अनंत पर्याय है बराबर। अब प्रश्न है, जीव द्रव्य में जीव द्रव्य जानता है कि ज्ञान गुण जानता है? बोलो, क्लियर है? बिल्कुल। ज्ञान गुण भी नहीं जानता, तो जानता कौन है? एक समय की पर्याय। जानन क्रिया कहाँ होती है? पर्याय में। पक्का? अब आप क्या चक्कर है कि कथन है पर्याय और गुण, पर्याय और द्रव्य को अभेद करके कहने का,
और हमारे ज्ञान में वो अभेद करके कहने का कथन बसा है तो हम कहते हैं द्रव्य जानता है, जबकि द्रव्य में जानना नहीं। मैं आप जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। यदि जानन स्वरूप को आप द्रव्य रूप से लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जानन जब बोला जाता है, जानन क्रिया उपयोग लक्षण बोला जाता है, तो वो पर्याय का धर्म है। ये इतने भी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बोला था अपने जानन है, बराबर इतना समझना। हाँ भैया, लगता है आप शास्त्रीय विद्वान है। नहीं नहीं, पहले तो मुझे क्लियर तो हो जाए, क्योंकि जब आपने समय की परिभाषा बोली थी तभी हम समझ गए थे। बराबर नहीं, बात वो तो परिचय की बात है, वो तो सम्मान की बात है ना। यदि कोई विद्वान है, कोई वो है, तो अपने सब सम्माननीय है। सुनी, ये तो भजनों में लिखा है कि समय सार में शुद्ध आत्मा गुण भेद और पर्यायों से पार कही, लिखा कि नहीं लिखा? अब ये तो गजब हो गया, ये तो छठवीं सातवीं गाथा में क्लियर है। उत्पाद में निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, इसमें क्लियर हो गई। क्योंकि उत्पाद में किसमें होता है? पर्याय में। जानन क्रिया किसमें होती है? पर्याय में। और ये जो वस्तु है वो कैसी है? वीतराग पूजन है, सहज अकर्ता ज्ञायक प्रभु ध्रुव रूप सदा ही रहता है सागर की ले। अब पहले हमें बोल लें दो, पहले हमें बोल लें दो। सागर की लहरों सम, अब हम बोल लें पहले, परिणमन बाहर होता है। पहले पंडित साहब ने ये लाइन लिखी थी कि नहीं लिखी थी? परिणमन कहाँ होता है? बाहर। और 320 गाथा की टीका, पारनामिक भाव की परिभाषा निष्क्रिय पारनामिका, ये लिखी कि नहीं लिखी? पारनामिका। ये तो अपने आप बहुत सरल विषय है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या हुआ? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मतलब जिसमें कूटस्थ नित्य एक रूप रहने वाली वस्तु असल में है क्या? पर्याय और द्रव्य को मिलाकर लक्षण की तरफ से वस्तु का कथन होगा। ये विषय भी खुलेगा पूरा, क्योंकि पढ़ाई पूरी कराएंगे ना, समय समय सारे सारी पढ़ाई कराएंगे। अभी हमने कहा था ना, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, ये पहले विषय की स्थापना चल रही है। अभी तो ये स्वय समय पर समय शब्द आए तो अपन ने बोल शब्द लिए, फिर इसी में से समय और समय, तो चार शब्द में अपन ने पहले ये स्थापना की है विषय की। अब ये 7 दिन अपने को यही घुटाई करना है, यही भेद विज्ञान करना है मूल विषय का। बात समझ में आ रही है सबको? आ रही है? देखो, आदरणीय बाबूजी युगल जी ने सिद्ध पूजन की जयमाला लिखी। क्या लिखा? वो तो लक्षण की तरफ से लिखा, पंक्तियां लिखी है आत्मा के लिए। क्या पंक्तियां लिखी है आत्मा के लिए? जीव कारण परमात्मा त्रिकाल यही है अंतस्थ तत्व अखंड। कौन सा तत्व है? आत्मा शुद्धात्मा को अव्यक्त कहते हैं और पर्याय को व्यक्त कहते हैं। तो दो है कि नहीं? अरे है कि नहीं दो? अरे है कि नहीं दो? एक पर्याय और एक द्रव्य, दो अंश है। वस्तु एक, अंश दो। उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत। पक्का? पक्का। तो वस्तु एक लेकिन अंश कितने हैं? दो। एक पर्याय तत्व और एक ध्रुव तत्व। ये अंतर समझना पड़ेगा, ये अंतर। और जो दृष्टि का विषय है वो पर्याय सहित द्रव्य है कि पर्याय को गौण करके पर्याय से रहित द्रव्य है? आप द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि वीरेश्वर, आप इस पुस्तक को देखना। उसने प्रश्न किया स्वामी जी से कि
कि द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न और उत्तर है डायरेक्ट, यदि आपने ख्याल किया हो तो। पुस्तक का नाम क्या है? द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर। प्रश्न किया, द्रव्य किसे कहते हैं, तो स्वामी जी का उत्तर है डायरेक्ट, जो पर्याय बिना का हो उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? उसे क्या कहते हैं? समझ आया? निर्णय गलियति साकरी जामे दो न समाए, और दो समाएंगे तो निर्विकल्पता की सिद्धि नहीं होगी, ये नोट कर लेना। ये वैसे अपने सब चलेगा भी स्टेप बाय स्टेप। निर्णय में कितने चाहिए? एक चाहिए, और वो एक कैसा होना चाहिए? अखंड अभेद ऐसा चाहिए। बराबर भैया? ठीक है। दृष्टि का वैसे उसमें पर्याय गुण भेद नहीं है। बराबर। बराबर। तो जानना किसका धर्म है, द्रव्य का कि पर्याय का? हाँ। बराबर। ये समय की परिभाषा हुई ना भैया, अपन अब समय सार की परिभाषा पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है। समय, ये जो दूसरी गाथा की स्थापना है उसमें प्रमाण ज्ञान का विषय द्रव्य लिया, जो सात बोल लिए उसमें अभी दृष्टि का विषय नहीं है, और छठवीं सातवीं गाथा में प्रमाण ज्ञान का विषय नहीं, शुद्ध मय का विषय भूत आत्मा है, तो उसमें ये भेद वाली बात वो गुण हो जाएगी, जानना परिणमना वो गुण हो जाएगा। तो जो समय सार है वो कैसा है, जिसमें न पर्याय के भेद है न गुण के भेद है, वो बात है। इसलिए उसको निषेध करके अपन क्या बोल रहे हैं, मैं जाननहार तत्व हूँ, जानने वाला भी नहीं। इसमें अपन अभी प्रयोजन की सिद्धि ये बोल के नहीं छोड़ेंगे, प्रयोजन की सिद्धि करेंगे। जानने के नाम पर कैसे वो अज्ञान सुरक्षित रह जाता है, अपन उसको ऑपरेशन करेंगे, ये विषय आगे आएगा। अभी सिर्फ शब्दों से विषय का परिचय करा रहे, अपना इतना विषय है अभी। अभी कल आपको जब चार्ट पढ़ाएंगे ना, चार्ट, उस चार्ट में पर्याय के नाम पर जिनागम में क्या क्या है, उस चार्ट में सारी चीजें बताएंगे। बहुत सुंदर चर्चा आएगी, एकदम व्यवस्थित चर्चा आएगी, और उसमें फिर ये जो द्रव्य का कहा यहाँ पर, तो द्रव्य को बताएंगे, और सब उसका पूरा चर्चा आएगी, बहुत व्यवस्थित चलेगी। अपने पास समय 7 दिन का, वो सब चर्चा लेंगे अपन एकदम व्यवस्थित। बराबर। समय आपका भी हो गया, चार शब्दों की चर्चा की। कौन कौन से चार शब्द? बराबर। और निर्णय करने वाला ज्ञान एक अलग, और निर्णय करने वाला ज्ञान इन पहले चारों का बराबर निर्णय करे, और फिर निर्णय करने के बाद मैं अभेद समय सार हूँ, जब ऐसा निर्णय करके उसका आश्रय लेता है, तब दर्शन में गलना चालू होती है, और तब दर्शन में उत्सम होकर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये पूरी विधि है, इस पूरी विधि की चर्चा अपन करेंगे। पक्का? समय हो गया, शेष चर्चा कल।